हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 5 सरकार पर चर्चा करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम इसके भाग 1 पे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इस वीडियो में आज हम क्या-क्या सीखेंगे। तो इस वीडियो में आज हम सरकार पे चर्चा करेंगे तथा सरकार के कार्यों पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम सरकार से। बच्चों, आपने समाचार पत्रों में अर्थात पेपर में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ या समाचार पढ़ी होंगी जिसमें वो लिखते हैं कि सरकार ये करेगा, सरकार वो करेगा। जैसे कि सरकार छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी करेगी, सरकार जो है वो 15,000 शिक्षकों की जल्द ही बहाली करेगी, झारखंड सरकार ने राज्य के सभी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया। यहाँ तक कि आप पढ़े होंगे सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी को सरकार निशुल्क पोशाक और पाठ्य पुस्तक देगी। आपने पढ़ा होगा कि सरकार सांप्रदायिक ताकतों से कड़ाई से निपटेगी। तो बच्चों, क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठता कि सरकार 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 आखिर ये सरकार है क्या? बच्चों, अगर हम सरकार को परिभाषित करें या इसका अर्थ जानने की कोशिश करें तो सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का वैसे समूह होती है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम सरकार के कार्यों पे चर्चा करेंगे। बच्चों, आखिर सरकार के बारे में तो आपको पता चल गया कि सरकार होती क्या है। अब आपके मन में होगा कि सरकार के आखिर कार्य क्या-क्या होते हैं। तो बच्चों, सभी देशों के विभिन्न निर्णय लेने एवं कार्य करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर निर्णय किस चीज से संबंधित, सरकार को क्या निर्णय लेना होता है? तो बच्चों, सरकार अस्पताल, सड़कें, स्कूल आदि के निर्माण के बारे में निर्णय लेती है कि कहाँ पे कौन सी चीज बनेगी, कहाँ पे बैंक बनेगा, कहाँ पे स्कूल होएगा, कहाँ पे हॉस्पिटल होनी चाहिए, उसमें कितने डॉक्टर्स होने चाहिए, स्कूल में कितने शिक्षक होने चाहिए, ये सभी निर्णय जो है वो सरकार ही लेती है। इसके अलावा सरकार रोजगार के भी अवसर उत्पन्न करती है। रोजगार के अवसर मतलब जितने हमारे देश में शिक्षित युवक हैं या युविका हैं, उनको उनके शिक्षा के अनुसार से या उनके योग्यता के अनुसार जॉब अर्थात काम दिलवाने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है, ताकि वो बेरोजगार ना रह सके। क्योंकि अगर वो बेरोजगार रहेंगे तो लास्ट में हमारे ही देश के विकास रुक जाएगी। इसके अलावा सरकार ये भी सुनिश्चित करती है कि हम सुरक्षित रहें, इसीलिए सरकार हर जिला, हर राज्य, हर कस्बे में एक पुलिस स्टेशन नियुक्त करती है या पुलिस स्टेशन बनाती है, और उस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी पुलिस कर्मियों की ये जिम्मेदारी होती है कि वे वहां के जनता को सुरक्षित रहने में मदद कर सके। इसके अलावा सरकार राज्यों में या फिर कस्बों में या गांवों में या शहरों में बिजली की या आप कह सके पेयजल, जो ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं, उनको भी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने डिस्कशन को सरकार के कार्य पे जारी रखते हुए हम देखते हैं कि आखिर सरकार के और क्या क्या कार्य होते हैं। तो बच्चों, सरकार कई तरह के सामाजिक मुद्दों पे भी कार्य करती है। क्या आप जानते हैं सामाजिक मुद्दे क्या?
किसे कहते हैं? तो बच्चों, सामाजिक मुद्दे वो मुद्दे होते हैं जो हमारे समाज से जुड़े हुए होते हैं, जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह, वृद्ध पेंशन योजना। तो जो सरकार है वो इन तरह के सामाजिक मुद्दों पे भी कार्य करती है, जैसे कि सरकार देश में गरीबों की मदद करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है, ताकि कोई भी देश का व्यक्ति भूखा पेट सो न सके। इसके अलावा सरकार पेंशन योजनाओं पे भी ध्यान रखती है, ताकि वृद्ध होने पे व्यक्ति को अपनी जीविका चलाने में कोई दिक्कत न आ सके। इस प्रकार की पेंशन योजना को वृद्ध पेंशन योजना कहा जाता है। इसके अलावा सरकार पीएम किसान मानधन पेंशन योजना चलाती है। इसमें 18 से 40 वर्ष तक के आयु के किसानों को प्रति माह 3,000 रुपया मासिक पेंशन उनकी आजीविका चलाने के लिए दी जाती है। बच्चों, इसके अलावा सरकार मध्यम वर्ग के लोगों तथा निम्न वर्ग के लोगों के लिए हाउसिंग योजना चलाती है, जिसके तहत उन्हें कम कर दर और कम कीमत पे घर उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा सरकार आपातकालीन में या आपातकालीन स्थिति में यह सुनिश्चित करती है कि हर देशवासी को जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, वह उपलब्ध हो सके। जैसा कि आप अभी के टाइम पे देख रहे होंगे, जब कोरोना का टाइम है तो सरकार अपनी तरफ से भरपूर कोशिश में है कि कोई भी व्यक्ति भूखा पेट ना सो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने डिस्कशन को सरकार के कार्य पे जारी रखते हैं। दोस्तों, इसके अलावा सरकार जो है कई तरह की मूलभूत और आपातकालीन सेवाएं भी प्रदान करती है, जैसे कि डाकघर और रेलवे की सुविधा, जिससे लोग एक दूसरे स्थान पे आराम से आ जा सके तथा डाकघर के माध्यम से अपने परिजनों तक आराम से संदेश पहुंचा सके। इसके अलावा सरकार ये भी सुनिश्चित करती है कि हमारी देश की सीमा जो हमारे विरोधी देश हैं, उनसे सुरक्षित रहे। इसके लिए वो सीमा पे सेना को तैनात रखती है। इसके अलावा सरकार आपदा प्रबंधन में भी बढ़ चढ़ के भागीदारी देती है। आपदा की स्थिति में सरकार लोगों की मदद के लिए अनेक योजनाएं और अनेक प्रकार की मदद प्रदान करती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सरकार तथा सरकार के कार्यों पे चर्चा की। बच्चों, इसका रेफरेंस है सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे सरकार के अंग पर, सरकार के स्तर पर, सरकार के प्रकार पर तथा लोकतांत्रिक सरकार पे। तब तक के लिए धन्यवाद। सरकार के स्तर पर, सरकार के प्रकार और लोकतांत्रिक सरकार पे। तब तक के लिए धन्यवाद।